होने के कारण जो अपने इलाके में बाढ़ होने के कारण लोगों को भाई पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी था। बाढ़ के समय में सर राशन ऑलरेडी बना बनाया राशन गया हर परिवार के अंदर, गैस हमने किसी बोट के अंदर जाते, गैस सिलेंडर हमने तो किसी बोट के अंदर जाते। आपने अपनी जो जांच की है, दो दिन बोट चली है, हर जगह सर पानी पानी था, इतने पानी के अंदर कहां पर सिलेंडर नहीं। जो इन्होंने बताया है, जो इसने मालिक ने बताया है, उसमें जो उसने ये बताया भाई मेरे को उसको ये कारण हुआ है कि भाई ये जो सिलेंडर बदले गए हैं, इस मारे बदले गए हैं आगे भाई, ताकि लोगों को घरों से भाई जो भी मर्जी आया वो सिलेंडर दे दिया। और बाकी इनके पास डिटेल है, आपने वेरीफाई किया है? नहीं, अभी अभी तक कोई डिटेल इन्होंने नहीं दी गई है। अभी तो इनका जो स्टॉक का मिलान किया है भाई, जो मौके पे है और जो इनका रिकॉर्ड है वो। कितने सिलेंडर मिले हैं सर विभाग के नियम के अनुसार, क्या ये इंडियन गैस के सिलेंडर गोदाम में रख सकते हैं या नहीं, वो नियम बताओगे आप? सिलेंडर कितने मिले हैं रख सकते हैं या नहीं? इंडियन गैस का सिलेंडर गोदाम में होने नहीं चाहिए, पर क्योंकि जैसे डीएफसी साहब के भी आदेश था कि गैस की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे वितरक ने बताया कि इमरजेंसी में अगर किसी को सिलेंडर बाढ़ में ज़रूरत पड़ी तो दे दिए गए, होने नहीं चाहिए। नियम के अनुसार जो भी उसके आगे की कार्यवाही है वो आगे के दिनों में करके। कितने सिलेंडर मिले हैं बाढ़ के समय में? क्या आपके विभाग द्वारा ऐसा कोई नियम जारी किया गया था कि वो किसी भी सिलेंडर या कोई परमिशन जारी करी गई है? कस्टमर अपने कस्टमर को देना ये गाइडलाइन। तो क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कानूनी नहीं, जो कंपनी के नियम अनुसार जो कार्रवाई है वो इन पे होगी। सिलेंडर कितने मिले हैं सर जो अलग कंपनी के मिले हैं? काउंट अभी चल रहा है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो बस ये है कि जो अनियमितता पाई गई है अन्य कंपनी के सिलेंडर, उसमें कंपनी के नियमानुसार जो कार्रवाई है वो इनके। सर सुबह की रेड पड़ी हुई है, सुबह की रेड पड़ी हुई है सर, अभी तक क्या कुछ सामने आया है? बस यही एक ही अनियमितता सामने आई है जो कि सीएम फ्लाइंग और डीएफएससी ऑफिस के अधिकारी गणों ने पाई है। स्टॉक मिलान हो चुका है, सिलेंडर बांटे हैं, स्टॉक का कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मिलान है, सब कुछ स्टॉक। अलग कंपनी के कितने सिलेंडर मिले? अलग कंपनी के सिलेंडर एक ही अनियमितता पाई गई है, उसके अलावा कितने सिलेंडर है सर? क्या मिले, कितने फ्री बांटे गए हैं या पैसे दिए गए हैं? कुछ उन्होंने डिटेल दी होगी आपको? अगर वो सेवाई कर रहे थे, अग्रिम कार्यवाही में डिटेल निकाली जाएगी, एक दिन में ये डिटेल निकालना पॉसिबल नहीं है। जितनी ये कार्रवाई है आगे कार्रवाई इनको लेटर इशू करेंगे, उसके आगे कार्रवाई। लेकिन किस्ती में किसी किस्ती में वो नहीं दिखा सिलेंडर जाना, में किस्तियाँ चल रही थी किसी में वो नहीं दिखा सिलेंडर चलता, इनके न्यारे गए हैं तो बांटे गए हैं। अब उसकी आगे की कार्रवाई में आगे की कार्रवाई के होने के बाद ही बता पाएंगे, जब ये लेटर आएगा और इनके जवाब आएगा। जब कोई कंपनी की गाइडलाइन नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं था कि आपको सिलेंडर बांटना है, फिर अपनी तरह नहीं, सिलेंडर बांटने की तो गाइडलाइन थी कि मजबूरी में किसी को सिलेंडर देना है तो भारत गैस के कस्टमर को तो सिलेंडर दे ही सकते हैं। सर अलग कंपनी के कितने सिलेंडर मिले हैं? एक मिनट जी, अलग कंपनी के सिलेंडर कितने मिले हैं जी? आप बताएंगे पूरा दिन में सर? आप पूरा दिन के अंदर सर ये गिनते कि सिलेंडर कितने अलग कंपनी के मिले? रिकॉर्ड में लिखे गए सिलेंडर। तब तक क्या कर रहे थे सर? अब तक क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? या बीजेपी का बड़ा नेता होने के नाते इनको बचाया जा रहा था? बचाने का प्रयास नहीं है, बचाने का प्रयास होता तो रिपोर्ट में जो नहीं लगता है। सर सुबह की क्या कार्रवाई की जा रही है? 70 सिलेंडर एचपी के हैं और 157 सिलेंडर इंडियन के। क्या कार्रवाई बनती है जी अभी इसके? कंपनी के जो भी नियमानुसार काम कार्रवाई है गाइडलाइन के अनुसार। कंपनी के क्या नियम है? नियम तो पता होगा आपको, नियम अधिकारी है तो जो भी इसकी एमडीजी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनेगी वो डिटेल कैलकुलेशन होती है, जैसा होगा उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई। अब आप क्या कार्रवाई करके जाओगे यहाँ से? हमारा काम है सिर्फ इंस्पेक्शन बनाना, यानी कि जो जांच रिपोर्ट बनाना, जांच रिपोर्ट आगे भेजी जाती है, उसके अनुसार जो भी इस पे कार्रवाई के लेटर आएंगे उसके आगे कहाँ भेजी जाती है जी? इसका हमारे ऊपर है ऑफिस में भेजी जाती है, वहाँ से फिर जो लेटर आता है वो क्या इसमें लेटर जो राजनीति दबाव लग रहा है आपको यहाँ? क्योंकि ये दो बार बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखिए वो अलग विषय है, अब एजेंसी के बारे में जो जवाब देना था अमित वो हम सब दे चुके हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। ओके सर, समझ नहीं आया।